कुत्ता नहीं है ना, पतिदेव ने चॉकलेट भेजी थी ना हमारे लिए, उसी पकार दिया मैंने। अभी मतलब पूरे 6 महीने बाद आई हूँ यहाँ, 6 महीने बाद देख रही हूँ मैं यहाँ का नजारा। कैसे चलेगी और कहाँ से चलेगी वे गाड़ी? ये तो मामा जी जा रहे हैं दुबई, जो कि आराधी के पापा के साथ, किए एंड सरसों का तेल जो आराधी के पापा को बालों लोगों के लिए चाहिए। तो देखो दोस्तों ना, बर्फबारी हो रही बहुत तेज। देखो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते, मेरा नाम है अनिता बग्या, स्वागत आपका देव भूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही सुबह के करीबन 10:30 बजे से, और अभी नाश्ता पानी कुछ नहीं हुआ, बस आज प्यारी सी धूप खिली है क्योंकि कल और परसों बारिश हुई, तो आज मौसम एकदम मस्त है, लेकिन थोड़ा बहुत बादल भी है। और देखो मॉर्निंग मॉर्निंग में ना इसका कच्चर बच्चर खाने का काम है बस। और यहाँ पे देखो हमारी दीवार टूटने लग गई। क्योंकि मेरी आवाज भी जो खराब आ रही होगी, खराब नहीं है, मेरी खांसी हो रही बहुत ज्यादा, और उसके साथ साथ ना बुखार सा भी हो रहा, सर्दी जुकाम सब लगे हैं। तो अभी मेरे बुगली को भी ना फिर से जुकाम होने लग गए हैं, और अभी मैं जा रही हूँ ऊपर, क्योंकि मैंने बोला था ना आप लोगों को कि पिछले ब्लॉग में कि पतिदेव के लिए बोला करके ये सामान दिए ना हमें, तो उसके साथ ना हमें जो सोयाबीन बटा है ना उसे भी देखो इससे भी छटकाते हैं थोड़ा, और फिर भूनते हैं, और उसके बाद देखो इस पे रखे है हमने, तो तेल का डब्बा भी है, क्योंकि बाद में दिखाती हूँ आप लोगों को क्या क्या किया पतिदेव के लिए, ठीक है? पहले मैं इन्हें भूनती हूँ थोड़ा, क्योंकि अभी पहुँचाना है ये 11:30 बजे तक, क्योंकि खाल तक लेके जाना है, ठीक है? खाल तक, और वहीं पे आएंगे मामा जी, इनके पास देना है बोला करके। तो देखिए दोस्तों छटकने लग गए हैं, और जैसे ही छटकते हैं ना ऐसे ही समझो पक गए हैं, देख सकते हैं उन पे ना वो हाल जैसी पड़ती है। ये तो हो गया है, ये मेरी चूड़ी टूट गई है, और ये देखो ये धनिया है, पतिदेव के लिए थोड़ा नमक पीसा जाए चरचरा बरबरा इनके साथ के लिए एंड माल्टे के साथ। ये लाल मिर्ची है, इसमें ये हरी मिर्च है, ये धनिया है, ये नमक है, और अभी सॉरी थोड़ा जीरा भी डालते हैं उसमें, तब बच्चा लहसुन की कमी तो लहसुन भी आ रहा है, ठीक है? लहसुन भी लेके आ रही सपू अभी, तो मैं जीरा भी डालती हूँ थोड़ा, क्योंकि अच्छा होता है ना जीरा भी चाहिए ही। और थाली भर के रेडी है हमारी, मैं और बड़े जैसे कि हमें खांसी लगी है ना वो भी ठीक हो जाती है, तो मैं भी खा रही हूँ, भूजते भी खाए मैंने, अभी भी खा रही हूँ। तो दोस्तों कर रही हूँ मैं पैकिंग, अभी पैकिंग मतलब जो सामान देने हुए, और जिस पे तो मैंने नमक किया है, और ये सोयाबीन भट्टा किए हैं सरसों का तेल जो आराधी के पापा को बालों के लिए चाहिए, तो मतलब उन्हें वो ना इसे तेल का यूज करते हैं पतिदेव, तो इस पे तो हो गया ये पैक हमारी समूह गांव की समूह पति देव के लिए। तो ये समूह जाएगी सीधा पति देव के पास, और इसे हमारी भाषा में बोलते हैं समूह, और माता जी पार्सल अच्छे से पैक कर दिया, मैंने टेप टाप लगा दिया, क्योंकि इसलिए लगाए हैं टेप टाप के होते हैं ना सामान इधर उधर हो जाते हैं, तो इसलिए ना मैंने टेप टाप लगा दिया है, सीधा डायरेक्टली पति देव के पास जाएगा। पति देव बोल गया ऐसे पैकिंग क्या की अनिता ने कोई बात नहीं है ना दोस्तों। तो इन माल्टे हैं, तो मुझे माल्टों का डर लग रहा है कहीं माल्टे ना सड़ेंगे तो नहीं यार दोस्तों, नहीं वैसे ठंडा है आजकल सारी जगह, लेकिन वैसे तो सड़ेंगे नहीं, तो फिर भी डर लग रहा है, लेकिन ऐसे में रखूंगी मैं, क्योंकि इस पे घी भी है तेल भी है करके, तो कहीं किसी के कपड़े ना खराब हो जाए, मतलब जो लेके जा रहे हैं मामा जी उनके। हो गया पूरी तरह से पैक, और जिस पनी में ना पतिदेव ने चॉकलेट भेजी थी ना हमारे लिए उसी पकार दिया मैंने, तो सेम सेम लग रहा जैसे कि पतिदेव ने ही भेजी होगी। चलते चलो दोस्तों लग गए हम जाने, और हमने मतलब ये लेके जाना है खाल में, क्योंकि खाल तक आ रहे हैं मामा जी,
और अभी ना बहुत दूर है जाने के लिए कसम से, और दराती और असी भी लेके जा रही हैं इसलिए क्योंकि पता नहीं लकड़े लुकड़े लानी है वहाँ से, तो है ना जहाँ हम पहले जाते थे वहीं लेके जाएंगे आज आप लोगों को, ठीक है कि कहाँ से लेके आना है, तो जो मतलब नए जुड़े होंगे उन्हें पता नहीं होगा। तो चलो, और मैंने ना सपना के पास दे दिया अपन ने, क्यों अजीब सा हो रहा है यार हमारा पास, मैंने बोल तू ही लेके जा। तो चलते हैं पति देव के लिए पार्सल पहुँच। ये देखो हमारे गांव की सड़क की हाल, गाड़ी गई होगी ये देखो कैसे फिसल फिसल की गई, हम ऐसा ही होता है यार। अभी हम बुड़बुड़ वाले घर में पहुँच गए हैं, ऐसे ही ऐसे करके पहुँच जाएंगे हम खाल में। अभी हम ना आराम से आ रही बिल्कुल, ये देखो रोड की दशा, रोड की दशा देखो चलेगी और कहाँ से चलेगी वे गाड़ी। माँ कहता ना ऐसे जंगल में जाते जाते ना बहुत सिर्फ बोरिश से आ रही है हमको जाने में, और जैसे टाइम मतलब बांध के लिए आते ना उस टाइम बिल्कुल भी थकान नहीं लगती है, और अभी ना चलने में बहुत ज़्यादा थकान लग रही है, और बांध ना हमारे यहीं तक रहता है जो कि खाल के नीचे था, और ऊपर ही मतलब 5-10 मिनट बाद आने वाला है खाल। ओह सांस बहुत फूल रही मेरी। अब वो मालटा खाने लगे। तो दोस्तों पहुंच गए हम खाल में, और ये है और मामा जी जा रहे हैं दुबई जो कि आराधी के पापा के साथ, और तो मामा जी के पास देंगे हम, तो हम भी चलते हैं आगे को क्योंकि हमने आगे जाना है, थोड़ा हमारा काम है तो वहीं लेके चलते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो बात आ कि यहाँ का नज़ारा गजब का रहता है, और अभी ना आसमान में पूरे तरह से बादल लग गए हैं, तो अभी धूप का कोई अता पता नहीं है, और ठंडी ना बहुत ज़्यादा लगती है यहाँ खाल में। अभी मतलब पूरे 6 महीने बाद आई हूँ यहाँ, 6 महीने बाद देख रही हूँ मैं यहाँ का नज़ारा थोड़ी बहुत, तो वो भी खाली तक का नज़ारा है, देख सकते हैं यहाँ पे दुकान खुला है, और यहाँ पे नागराजा का मंदिर, और वहाँ पे जो कि आप लोगों को हर बार ब्लॉग में दिखाई देता है, और अभी मतलब पिछले 5-6 महीने से नहीं दिखाई दे रहा आप लोगों को भी, और नीचे देख सकते हैं आप लोग गेहूं और सरसों की खेती है, और वहाँ पे मतलब यहाँ के लोग भी ना कुछ कुछ ना 3-4 परिवारें ऐसे हैं जो मतलब डांडा ही में रहते हैं ऐसे ही करके, पहले ना सब घर जाते थे, और अब जब से ना रोड आई है तब से मतलब सब लोग ऊपर ही ऊपर की साइड ज़्यादा रहते हैं, तो कुछ इसी तरह से है। और यहाँ से नीचे जाने का वो तो मुझे तभी मिलेगा जब ना हमारा अभिषेक 6-7 मंथ का हो जाएगा, उसे ये बात जानना जाने का अलाउड मिलेगा, मेरे को उससे पहले तो नहीं है। तो दोस्तों कब के पहुंच गए थे हम यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा सामान दियो आए हम सीधा यहाँ जो कि लकड़ियाँ करने, और ये समझ सपुआ पर निहाल आ रखे, और मेरे को लग रहा है ना बर्फ गिर रहा है, ये देखो माया का दम फूल ये तुम क्या है ना हम अटे ना ये माँ सब बोले हम दबते हम माँ का सब फूल गए आ गए। अभी हम बांध काटते फटाफट से, और माँ का सब बर्फ पड़ने लगा, अब कब जाएंगे हम घर फटाफट से। मैं एक अंगूठी बांध डालती हूँ उसके लिए, तो लकड़ियाँ हो गई मेरे पास, बांध होगा तो बर्फ पड़ेगी तो क्या होगा, हंसी से पूरे यहाँ यहाँ दर्द हो रहा पूरे शरीर पे, इतने भयंकर बड़े बड़े पेड़ है ना ये देख सकते हैं आप, अभी तक ना इतने बड़े पेड़ किसी के नहीं होंगे, बस इतने बड़े पेड़ यहाँ है, और मैं ना अभी इस पेड़ में गई थी, ये देख सकते हैं आप ऊपर बड़ा बहुत बड़ा पेड़ है ये भी, और इस पे गई थी मैं सीधा ऊपर, आई मैं नीचे सब बोलती भाभी पर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जैसे पनेरी हवा बोलती ना तो बारिश आने वाली है। तो दोस्तों चलते हैं घर क्योंकि यहाँ ना बर्फबारी होने लग बरसात ना व्हाइट होने लग गई है बर्फबारी से। ये देखो दोस्तों ना बर्फबारी हो रही बहुत तेज, ये देखो मेरी ना दराती भी आ गई आगे को, लगता है मेरा ना मन अजीब सा हो रहा क्योंकि ना अभिषेक रो रहा होगा तो इसलिए मन अजीब सा हो रहा। पहुंच गए हम घर, और घर पहुंचते ही धूप भी लग रही, बारिश भी लग रही है, और हवा भी हो रही, साथ साथ में सब कुछ हो रहा है, बर्फबारी भी हो रही, तो
धूप के साथ ना बड़ा बारिश से सब कुछ हो रहा है। अब चलती हूँ मैं अंदर, मेरा बुगली शुगर है कि रोया नहीं। मैं सोच रही थी कि रो रहा होगा लेकिन नहीं रो रहा, आराम से सोया है। अब मैं दूध पिलाती हूँ। अरे मेरे टॉपी में बिस्किट खाना है, किसका खाना है? पार्स कहाँ है आपका? नहीं है, फूट गया, टूट गया टोपी मेरे।